अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमारा टेलर सीरीज हो गया था और उसी को हम शुरू कर रहे हैं। इसका एक सवाल और करते हैं, फिर हम ऐसा सवाल करते हैं जिसमें पिछली दफा कराया था कि एक फॉरवर्ड का पॉइंट और एक बैकवर्ड निकालना था। अब निकालते हैं हम दोनों फॉरवर्ड। सही, एक और सवाल हो जाएगा इस तरह से आपका आसानी हो जाएगी। कंसीडर डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स प्लस एक्स वाई, मुश्किल सवाल दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर। ठीक, और फिर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है, वन ऑफ वन भी गिवन है। ठीक, फाइंड वन पॉइंट थ्री, 1.3 पे वाई निकालना है एंड 1.6। ठीक, अच्छा, बाय यूजिंग टेलर सीरीज मेथड विद इसको मैं थर्ड ऑर्डर रखा है, जरूरी नहीं पेपर में फोर्थ तक आता था रैंक में। थर्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन। सही, पेपर में फोर्थ तक आ सकता है, तो आप सवाल आएंगे। अब इसमें देखिए हमने करना क्या है, जो आपको गिवन कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो ये है डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा इसको मुश्किल कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर डाल दो। ठीक है, ताकि सवाल ज़रा थोड़ा क्रिटिकल हो जाए। ठीक, तो ये हो गया। और इनिशियल कंडीशन है ये आपको जो गिवन है, अच्छा ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाई प्राइम होता है, जिसको वाई प्राइम की फॉर्म में लिखने इक्वेशन है। और टेलर सीरीज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा ये इनिशियल कंडीशन है, यानी कि वाई वन ऑफ वन, तो इसको हम कहते हैं ये एक्स नॉट होता है, ये वाई नॉट होता है, तो यानी कि एक्स नॉट भी वन है और y नॉट भी वन। सही, अब आपको करना क्या है, आपको पहले 1.3 का निकालना है, 1.3 x पे y बनाना, तो यानी कि आपको 1.3 पे बनाना है। तो आप देखें इनिशियल y x पे 1 है, 1.3 इसका बाद का पॉइंट है, यानी कि x 1 होगा। ठीक है, यानी इस पे आपको y बताना है, तो ये y 1 होगा। ठीक, और फिर इस टेलर सीरीज क्या बनेगी, फॉरवर्ड की है, देखें x नॉट 1 है और x नॉट से वन पे जा रहा है, तो फॉरवर्ड की सीरीज बनेगी। फॉरवर्ड की सीरीज होगी आई प्लस वन आई और एच ऑफ वाई आई, यहाँ एफ ऑफ एक्स आई था, मैंने इसको एफ की जगह वाई लिख रहा हूँ, बात एक ही है। और आगे सीरीज निगलेक्ट कर देनी है आपने, क्योंकि थ्री ऑर्डर ऑफ आपसे वही है क्या है। ठीक, तो यहाँ तक आ गए आप। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको पता है आई को जीरो करेंगे तो ये वाई वन बन जाएगा, ये वाई नॉट बन जाएगा, ये एच एच चाहे तो रख दे वैल्यू, मैं नहीं रख रहा अभी, वाई एच ऑफ वाई नॉट एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल और वाई नॉट का डबल वैल्यू, तो ये आपके पास आ गया। ठीक, और इसको चाहे तो वन का नाम देना है, इसमें आपको सारे सॉल्यूशन ला के रखने हैं। ठीक हो गया, तो काम शुरू करते हैं। अब आपको क्या कहना था, आपको यहाँ पे देखें h पता है, h वे 0.3 होगा, 1 से लेके 1.3 पे गया हो तो h वे 0.3। ठीक, तो और ये h नॉट डबल प्राइम है, तो y नॉट डबल, ये दोनों आपको टर्म दिखाएंगे, बाकी सब पता है। सही, तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, ये जो है आपकी y प्राइम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो एक्स नॉट है वो वन है, वाई नॉट भी वन है। सही, तो इसी को यूज करेंगे, इसमें पुट कर देंगे लाके। तो पहले तो देखें ये वाली टर्म में तो बस पॉइंट पुट करना है, वाई नॉट एक्स नॉट, तो जहाँ जहाँ वाई है वो वाई नॉट कर देते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स नॉट कर देते हैं, और ये आपके पास, तो इसमें पुट करते हैं पॉइंट x नॉट वन है, y नॉट भी वन है,
वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, प्लस वन 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 ही रहेंगे, वन थ्री आ गया आंसर, यानी कि वाई नॉट प्राइम जो है वो थ्री आ गया। ठीक, और अब आपको डबल प्राइम चाहिए, यानी कि इसका दोबारा डेरिवेटिव, इसका जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वाई डबल प्राइम, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, और एक्स वाई में यू इंटू वी लगेगा, इस वाली टर्म में यू इंटू वी लगेगा। कैसे लगेगा यू इंटू वी? पहले यू ऐसे ही, एक्स वाई का डेरिवेटिव तो वाई प्राइम होगा, तो ये फिर वाई ऐसे ही एक्स का डेरिवेटिव जो कि वन होता है, लिखना चाहें तो लिखें वरना तो वी, ये दोनों का डेरिवेटिव, आखिर में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो आपको पता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, टू वाई वाई प्राइम, पहले वाई का अपने रिस्पेक्ट से और फिर वाई का एक्स रिस्पेक्ट से, तो इस तरह से डेरिवेटिव लेना है। और अब इसमें पॉइंट पुट कर दें, जब पॉइंट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ वाई वाई नॉट कर दें, जहाँ जहाँ एक्स वाई नॉट कर दें, सही, y नॉट प्राइम जो है वो थ्री है, वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, सही, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, टू ऑफ एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट वन है तो टू ही रहेगा, फिर एक्स नॉट वन है और वाई नॉट प्राइम जो है वो थ्री है, वाई नॉट वन है और टू वाई नॉट वन है, वाई नॉट प्राइम जो है वो थ्री, सही, तो यहाँ पे आपका आंसर बन गया 2 + 3 + 1 + 6, है ना, 2 + 3 + 1 + 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो ये 5 6 और 6 12 आ गया, यानी कि वाई नॉट डबल प्राइम 12 आ गया। सीरीज जो थी वो आपके पास थी वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच ऑफ वाई नॉट प्लस सॉरी एच ऑफ वाई नॉट प्राइम एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल है, वो क्यूब वाली टर्म ना भी देखो, उसका मतलब वो सीरीज आपने निगलेक्ट कर, ठीक, तो यहाँ तक आ गए आप। और अब इसमें वैल्यूज पुट करें, वाई नॉट वन है, एच पॉइंट थ्री है, सही, वाई नॉट प्राइम थ्री आया था ऊपर, वाई नॉट प्राइम, और ये पॉइंट थ्री का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, वाई नॉट डबल प्राइम 12 आया, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं क्या आता है और देखते हैं क्या हो रहा है। वन टू पॉइंट फोर फोर आंसर आ रहा है, यानी कि आपका जो आंसर है वो 2.44 है, यानी कि वाई वन है एक्स वन पे, एक्स वन कितना था 1.3, ऊपर ये लिखा हुआ है, डेटा गिवेन है आपको, तो ये आपका इसको चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई ऑफ 1.3, ये आपको निकालना था 2.4। अच्छा, आपको अब अगला पॉइंट भी गिवेन है, अगला पॉइंट जो गिवेन है वो 1.6 पे निकालना है, 1.6, अब देखिए 1.3 x1 था तो ये x2 बन जाएगा, वन जो था वो नहीं एक्स नॉट था, 1.3 x1 था और 1.6 x2 बन जाएगा। अब इस पे जो y निकलेगा उसको y2 बोलेंगे, सीरीज क्या होगी, फॉरवर्ड लगेगी अभी भी, क्योंकि आप वन की मदद से आपने 1.3 निकाला, वन के बाद आता है 1.3, और फिर 1.3 की मदद से आप 1.6 निकालेंगे और ये भी बाद में आता है तो फॉरवर्ड। h अभी 0.3 है, देखिए 1.3 और 1.6 का डिफरेंस कितना होता है 0.3 का, तो h अभी भी आपका 0.3 है, सही, सीरीज आपकी अभी भी फॉरवर्ड लगेगी कि आप 1.3 की वजह से 1. वो निकालना है h, ये आपकी सीरीज बन गई, ठीक, बस अब आई जीरो नहीं होगा, अब आई वन होगा, क्योंकि वाई टू निकालना है ना, आप आई वन हो जाएगा, और तो ये आई जीरो वन प्लस वन टू वाई टू हो गया, ये वाई वन हो गया, ये एच ऑफ वाई वन प्राइम और ये एच। अब बस मैं आपको चक्कर ही है, मैं आपको समझा दूं कि आपने डेरिवेटिव निकालने और पॉइंट चेंज करने, वो बता देता हूँ कैसे। आई वन है, ठीक, इसको आप टू का नाम दे दें, इक्वेशन को चाहे थे आपने टू का नाम दे दिया, अब करना क्या है आपने कि वाई
जो प्राइम जो इक्वेशन आपको गिवन है वो ये थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसमें आप पॉइंट पुट करेंगे, अब ये वाली टर्म चाहिए आपको और ये वाली टर्म चाहिए। सही, तो अब इसमें आप पॉइंट पुट करेंगे, लेकिन अब एक्स वन वाई वन पुट होगा, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वाई वन हो जाएगा, जहाँ एक्स वन है वहाँ एक्स वन का स्क्वायर, ये एक्स वन वाई वन और ये वाई वन का स्क्वायर। सही, ये वाई, तो ये टर्म आ जाएगी अब आपके पास। सही, तो वाई वन का प्राइम, एक्स वन जो है वो 0.1.3 है और वाई वन अभी आया है ऊपर, ये रहा 2.44, 2.44 आया। ठीक, 2.44 और बस पॉइंट चेंज हुआ, डेरिवेटिव तो वही 2.44 स्क्वायर। सही, ये आपका सवाल था, इसमें बस पॉइंट पहले नॉट पुट किया था, वन पुट कर। सही, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, क्या बन रहा है, वन 1.3 का स्क्वायर प्लस 1.3 इंटू 2.44 प्लस 2.44 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है 10.81560। अब ये वाली टर्म निकालनी है आपने, तो इसके लिए इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन डेरिवेटिव आपने निकाला हुआ है, डबल डेरिवेटिव ऊपर निकाला हुआ है, तो आपको वो देख के लिखने, ये रहा डबल डेरिवेटिव, 2x प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस वाई प्लस 2y वाई प्राइम, 2x प्लस एक्स वाई प्राइम, 2x प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस वाई प्लस 2y वाई प्राइम। अब इसमें पॉइंट चेंज करना है, पॉइंट अब वाई वन रखना है, तो ये वाई वन का डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, ये एक्स वन हो जाएगा, ये एक्स वन वाई वन का प्राइम, ये वाई वन टू वाई वन वाई वन का प्राइम, वाई वन का प्राइम ये रहा, और वाई वन खुद क्या है 2.44, चाहे नहीं लिखना, वाई वन जो है 2.44 है, वाई वन का प्राइम जो है वो है 10.81560 और एक्स वन जो है वो 1.3 है। सही, अभी सारी चीजें रख दे, तो वाई वन का डबल प्राइम आपके पास आ जाएगा 2 x1, अच्छा एक्स वन की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1.3, ये हो जाएगा 1.3 और वाई प्राइम, तो वाई प्राइम जो है वो आपके पास वाई वन का प्राइम, तो ये 10.81560 लिखे, तो ना चाहे तो ना भी लिखे, एंड का जीरो वो पता आपको काउंट नहीं होता। अच्छा ये हो गया एक्स वन, एक्स वाई प्राइम हो गया प्लस वाई, अच्छा वाई यहाँ वाई वन है, यानी कि वाई वन कितना था 2.44 प्लस 2 इंटू, तो इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, सही 2y1 यानी कि 2.44 और उसके साथ प्राइम है यानी कि 10.81560। सही, अब इसका डबल प्राइम की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास आ जाएगी 2.1.3 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10.81560 प्लस 2.44 प्लस 2 इंटू 2.2 डबल फोर इंटू 10 माइनस 10.81560, तो ये 71.880। अच्छा मैं भी इंसान हूँ भाई, तो वैल्यूज मुझे गलती है यार, आप कर रहे हो तो कुछ परेशान होने वाली बात नहीं, मुझे बता दिया करें, मैं उससे चेक कर लिया करूँगा। ठीक, तो सॉल्विंग आपको सिखाई थी, वाई वन डबल प्राइम आ गया, अब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन थी हमारे भाई ये 2। सही, तो मैं यही पुट कर रहा हूँ ताकि जगह भी कम है, तो वाई टू जो था वो बराबर था पहले वाई वन के, तो वाई वन है 2.44, फिर एच है और एच है 0.3, फिर वाई वन का प्राइम है, तो वाई वन का प्राइम जो है वो आया है ये रहा 10.81560, 10.81560, चाहे तो लिखे ना चाहे ना लिखे,
अच्छा ये प्लस एच स्क्वायर का मतलब 0.3 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, और वाई वन का डबल प्राइम तो हमने भी नीचे निकाला 71. ये रहा 88041, 71.88041. ठीक है इसको कंप्यूट कर लेते हैं, 2.44 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10.8156 प्लस 0.3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 71.88041 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो बाय 2 का आंसर आ रहा है ये आ रहा है 8.191930. ये एक्स टू का है, एक्स टू आपका 1.6 था, चाहे तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं 8.91930. आपने दोनों पॉइंट के आंसर निकाल लिए, इसमें आपने बच्ची करनी है टेलर की। तो यहाँ तक टेलर सीरीज के दो सवाल करा दिए, काफी है। अब बाकी जो मेथड ड्राइव हुआ टेलर सीरीज से ड्राइव हुआ, ड्राइव का मतलब बने हैं, मतलब हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, अब उनको हल्की फुल्की अगर एक आध लाइन की डेरिवेशन वो कर लेंगे, अदरवाइज बड़ी डेरिवेशन स्किप की हुई है। और अभी देखें टेलर सीरीज में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फिक्स नहीं, टेलर सीरीज में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फिक्स नहीं है, पहली चीज। आपको तो सवाल में चेंज भी करा, मैंने 3-3 दिया ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, इसमें चेंज भी करा था। तो टेलर सीरीज अगर आपको पूछा है कि कौन सा मेथड ऐसा मेथड बताएं जिसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फिक्स ना हो, तो टेलर सीरीज एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक हो गया। दूसरी चीज, टेलर सीरीज जो है वो आपका डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। टेलर सीरीज इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है उसमें रिफाइनमेंट यानी कि पॉसिबल है, एरर कम हो सकता है अप्रॉक्सीमेट। तो आप तो कहेंगे देखिए ना 1.3 पे एक आंसर आया ये रहा, अब आपने इसको मजीद रिफाइन नहीं किया तो अगले पे चले गए 1.6 पे निकाला, तो आइटरेटिव कैसे हुआ, ये इनडायरेक्ट कैसे हुआ? ये इनडायरेक्ट इस तरह हुआ कि आप इसको रिफाइन कर सकते हैं, और किस तरह रिफाइन कर सकते हैं, आप इसको जो है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ा दें तो ये रिफाइन हो जाएगा। मैं एच क्यूब वाली टर्म अगर ले लूँ यहाँ पे सीरीज में, अभी तो मैं सवाल में फिक्स किया हुआ है, अगर मैं एच क्यूब वाली टर्म ले लूँगा तो एच क्यूब वाली टर्म से जो आंसर जो है वो और अच्छा आएगा, एच फोर वाली टर्म भी ले लूँ आंसर और अच्छा आएगा, यानी कि रिफाइनमेंट पॉसिबल है, हमने की नहीं है लेकिन पॉसिबल है। तो ये इट इज़ अ इनडायरेक्ट मेथड। तो जो कंक्लूजन है वो यही है कि टेलर सीरीज जो है वो आपका इनडायरेक्ट मेथड है, सही, टेलर सीरीज जो है वो आपका इनडायरेक्ट मेथड और आइटरेटिव मेथड, सही, आइटरेटिव मेथड। और इसके बाद हम ऑयलर मेथड पे चलते हैं, तो ऑयलर मेथड क्या है और उसके बाद लेक्चर हम क्लोज कर देंगे। ऑयलर मेथड में जो है वो आइटरेटिव नहीं है, वो डायरेक्ट मेथड है। अब आपको थोड़ी सी दूसरी चीज अजीब लग रही होंगी कि एक जो है वो आइटरेटिव है और एक नॉन आइटरेटिव कैसे। तो टेलर सीरीज जो है वो बेसिकली टेलर सीरीज तो आइटरेटिव है, आइटरेटिव का मतलब इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब आइटरेशन पॉसिबल, आइटरेशन पॉसिबल है यानी कि सोल्यूशन रिफाइन हो सकता है। मैंने आपको भी बताया कि आपने 1.3 पे सोल्यूशन निकाला है, इसको आपने रिफाइन नहीं किया, 1.6 पे निकाल दिया, फिर आपने रिफाइन हो किया नहीं, लेकिन हो सकता है कि एच की सीरीज बढ़ा दें, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ा दें तो रिफाइनमेंट हो सकती है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्योंकि फिक्स नहीं है इसकी वजह से रिफाइनमेंट पॉसिबल है। तो टेलर सीरीज मेथड है, इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस मेथड में टेलर सीरीज मेथड जो है वो तो नो फिक्स्ड ऑफ नो फिक्स ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फिक्स नहीं है, सही, और जिसकी वजह से ये मेथड जो है वो इनडायरेक्ट है
आइटरेटिव है, रिफाइनमेंट पॉसिबल, आइटरेटिव का मतलब उसकी आइटरेशन हो सकती है, रिफाइनमेंट पॉसिबल। ये आपका पहला मेथड था। आज अब हम दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑयलर मेथड, ऑयलर्स मेथड। ये अब सब जितने भी आगे के मेथड हैं सब टेलर सीरीज से ड्राइव। ऑयलर मेथड में हमने क्या किया, टेलर सीरीज में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फिक्स नहीं है तो हमारे बार बार शफल हो रही है ना, कभी थ्री पे सॉल्व हो रहा सवाल, कभी फोर ऑर्डर, कभी एच क्यूब पे सीरीज इंडेक्स हो रही है, कभी फोर पे। तो ऑयलर ने क्या किया कि आप ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फिक्स कर दो। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो ऑयलर मेथड में होता है वो हमने टेलर सीरीज का, अगर मैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टू पे फिक्स कर दूँ तो जो मेथड बनेगा वो ऑयलर बनेगा, जो है वो टू है यानी कि फिक्स्ड है। टू का मतलब सीरीज जो है वो स्क्वायर पे निगलेक्ट हो गई, सही। अच्छा अब जब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फिक्स कर दिया तो अब ये इनडायरेक्ट नहीं रहा, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड का मतलब इसमें अब रिफाइनमेंट नहीं हो सकता, जो एक आंसर आ गया वो आ गया, डायरेक्ट या नॉन आइटरेटिव, यानी कि आइटरेशन नहीं हो सकती इसमें, रिफाइनमेंट पॉसिबल, ठीक हो गया। तो ना रिफाइनमेंट पॉसिबल है ना रिफाइनमेंट पॉसिबल है, और इस तरह ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी फिक्स है। थोड़ी छोटी सी डेरिवेशन देख लेते हैं किस तरह होगी, डेरिवेशन तो एक लाइन ही है इसकी बस, टेलर सीरीज देखें। अच्छा हर मेथड जो है ना वो फॉरवर्ड के लिए भी है, बैकवर्ड के लिए, बस याद रखें कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का बना लें, फॉरवर्ड का फॉर्मूला याद कर लें। बैकवर्ड के लिए जहाँ जहाँ एच है बस वहाँ माइनस एच आ जाएगा, बस ना याद रखें, जैसे अब एच है तो एच वो फिर माइनस एच आ जाएगा तो एच स्क्वायर पे फॉर्म नहीं आएगा, एच क्यूब पे फॉर्म आएगा। तो अब देखिए, अब आपने फॉरवर्ड की अगर मैं सीरीज बनाऊँ फॉरवर्ड की, तो वो बनेगी टेलर सीरीज में मैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, अभी ऑयलर के लिए फार्मूला बना रहा हूँ, ऑयलर के लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा एच वाई आई का प्राइम, सही। आगे सीरीज उसे निगलेक्ट कर रही है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टू है ना, तो यहाँ पे सीरीज निगलेक्ट हो रही है, यानी कि फार्मूला जो बन गया वो इतना सा बन गया, अब ये वाई आई प्राइम क्या है इसको भी हम इनपुट कर देते हैं। तो अब आप देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो आपकी इस तरह से होती है, या इसको और आसान लफ्जों में लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सही। तो इसकी जगह वाई प्राइम ले लिया हमने, तो वाई प्राइम यहाँ पे आ गया, ठीक। अब तो अगर मैं आई पुट कर दूं इस वाली में तो ये आई का प्राइम हो जाएगा, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स आई आ जाएगा, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ आई आएगा, तो वाई आई प्राइम की वैल्यू ये आ गई यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हो, तो इसकी जगह मैं वो वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ऑयलर का फार्मूला बन जाएगा। ऑयलर का फार्मूला क्या बन गया, एच आई वाई आई माइनस प्लस एच y i प्राइम, y i प्राइम की जगह आपने क्या कर दिया, f ऑफ x i y i, ठीक है, जो वैल्यू थी। तो ये आपका ऑयलर का फॉरवर्ड का फार्मूला बन गया, ये ऑयलर का फॉरवर्ड का फार्मूला। अब बैकवर्ड के लिए बस क्या होगा, जहां जहां एच है वहां नेगेटिव एच कर देगा, ये कर दे चेंज स्टेप साइज, आप नेगेटिव एच करेंगे एच इटसेल्फ पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि वो साइज है। तो अगर आपको बैकवर्ड पॉइंट निकालना है तो बैकवर्ड के लिए जो फार्मूला बनेगा पेपर में आपका जो है वो फॉरवर्ड गिवेन होगा, बैकवर्ड आप खुद बना सकते हो, जहाँ जहाँ एच वहाँ नेगेटिव कर दें तो ये बैकवर्ड का फॉर्मूला होगा। इस ऑयलर का फार्मूले में हम देखें जो है वो कोई ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन नहीं, वो फिक्स कर दिया टू पे, और जो मेथड है ये डायरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें रिफाइनमेंट नहीं हो रही, डायरेक्ट जो आंसर है वो आंसर है। बस का एक सवाल करते हैं फिर लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, इसको एक फॉरवर्ड का सवाल कर लेते हैं और एक बैकवर्ड, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहीं से। तो सवाल कर रहे हैं एवेल्यूएट, ये इसको एवेल्यूएट छोड़े इस तरह कर लें, फाइंड वाई ऑफ 1.2 1.4 और डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं,
एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। तो मुश्किल रहेगा इक्वेशन सही। अच्छा इसको आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ किस तरह से। अच्छा खैर, तो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर और इनिशियल कंडीशन जो है वो है y1 ऑफ 0, ठीक हो गया। तो इनिशियल कंडीशन हो गई बाय यूजिंग ऑयलर्स मेथड, बाय यूजिंग ऑयलर्स मेथड सही। और बस इसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन वायलर मेथड है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक। अच्छा अब आप देखिए, जो आपको एक्स नॉट गिवन है वो वन है, और आपको निकालना क्या है, वन से 1.2, 1.2 से आगे के पॉइंट निकालने हैं, यानी कि फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज, ठीक। अगर वन से पीछे के पॉइंट निकालने होते हैं तो बैकवर्ड फॉर्मूला यूज होता है। चले इसमें मैं एडिट भी कर देता हूँ, अभी मैं कर भी दूंगा, इसी सवाल में मैं एडिट कर दूंगा तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी सही। और वन बाय वन करके सवाल शुरू करते हैं, ठीक। अच्छा अब ये वाई डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो आपके पास है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और चाहे तो इसको समझ में वाई प्राइम, ये वाई प्राइम के बराबर है, और ये आपका जो होता है ये एफ ऑफ एक्स वाई होता है, ठीक। अब ऑयलर का जो फार्मूला है, अच्छा आप चाहे तो लिख भी दें कि वाई ऑफ वन पे एक्स जीरो, एक्स वन पे वाई जीरो, यानी कि एक्स नॉट जो है वो वन दिया है आपको, वाई नॉट जो है वो जीरो दिया, ठीक। अब सवाल जब शुरू करेंगे देखिए, ऑयलर का फार्मूला आएंगे, ऑयलर का फार्मूला क्या है, आई प्लस वन। अच्छा एक और चीज आपको निकालना क्या है, एक्स 1.2 पे निकालना है वाई, ये तो एक्स नॉट अगर वन है तो एक्स वन वाई वन बन जाएगी, और फिर आपको निकालना है 1.4 पे तो वाई निकालना है, तो ये एक्स टू वाई टू बन जाएगा सही। अच्छा फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला जो है वो ये रहा, वाई आई प्लस वन, ऑयलर का फार्मूला जो ऊपर ड्राइव कराया छोटा सा, आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई आई फॉरवर्ड का लिख रहा हूँ, प्लस एच एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, ठीक। ये फॉरवर्ड का फॉर्मूला आ गया, और तो आई अब पहले जीरो होगा तो ये वाई वन बन जाएगा, आई प्लस वन वाई वन, ये वाई नॉट, और ये प्लस एच ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। एच कितना है, एच वन से लेके 1.2 पे गया हूँ, तो एच 0.2 है सही, तो वाई वन। अच्छा अब मैं पहले इसको फॉर्म में बना लूँ, एफ एच, अच्छा एच क्या है आपका देखें, एच यस को ऐसे करने तो बहुत बेहतर होगा, मैं इसको आई जीरो के लिए पहले आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ, एक्स आई प्लस वन वाई आई एच एफ ऑफ एक्स आई, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई वो ये रहा, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर आपका फंक्शन है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स आई आ जाएगा, यानी कि एक्स आई क्यूब, एक्स क्यूब तो एक्स आई क्यूब हो जाएगा, और वाई स्क्वायर तो वाई आई स्क्वायर, ठीक ये हो गया। अच्छा अब ये आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक्स को एक्स आई को आप जो है वो ए ले लें, और उसको फॉर कैलकुलेटर आप कैसे लेंगे, वाई आई को बी ले लें, तो बी प्लस एच की वैल्यू आपको पता है, एच है वन से लेके 0.2 पे गया, 1.2 पे गया था, एच 0.2 है, और एक्स आई का क्यूब यानी कि ए का क्यूब और बी का स्क्वायर यानी कि वाई। कैलकुलेटर में इस तरह फीड करें, कैलकुलेटर में इस तरह फीड करें तो आ जाए, हमें कैलकुलेटर वाला तरीका भी बताऊंगा, कैलकुलेटर में इस तरह फीड करेंगे ए और बी, ए का मतलब एक्स की वैल्यू और बी का मतलब वाई की वैल्यू। जब पहली दफा करेंगे तो नॉट नॉट देना पड़ेगा इनिशियल गैस, जब अगली दफा करेंगे तो वन वन यानी कि एक्स वन वाई वन देना, वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, वीडियो कैमरा ऑन करके बता देता हूँ। खैर अब आई को जीरो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई वन आई प्लस जीरो, आई प्लस वन है जीरो प्लस वन हो गया, ये वाई नॉट बन गया, ये एच ऑफ एक्स नॉट
और वाई नॉट बन गई। अब इसे वैल्यूज पुट करें, बस आपका आंसर है वाई नॉट जो है वो जीरो है, एच जो है वो पॉइंट, मुझे याद है देख लीजिए आप सवाल शुरू में, एक्स नॉट जो है वो वन है और वाई नॉट जीरो है। ठीक, तो आपका जो वाई वन आ गया वो आ गया जीरो प्लस पॉइंट टू, पॉइंट टू आ गया ना, सही पॉइंट टू आ गया वाई वन, सही ये वाई वन आ गया। अब आपको आई को इसी में, अब आई को वन करेंगे तो अच्छा वाई वन पॉइंट टू आ गया, यानी कि किस पे, एक्स वन पे, तो एक्स वन कितना था वन पॉइंट टू, सही। अब आई को वन करना है, आई को वन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली क्वेश्चन है, आई को वन करेंगे तो वाई टू, यहाँ वाई वन, एच ऑफ वाई वन एक्स वन हो जाएगा, ये एक्स वन आई वन है ना, वन का क्यूब और वाई वन का स्क्वायर। ठीक, तो वाई वन कितना आया आपके पास पॉइंट टू, एच अभी भी पॉइंट टू है, क्यों, ये वन पॉइंट टू के बाद आप वन पॉइंट फोर पे जा रहे हैं, देख लेना एक्स वन था इनिशियल फिर वन पॉइंट टू पे गए, ये वन था इनिशियल फिर वन पॉइंट टू पे गए, तो जीरो पॉइंट टू का फर्क आ रहा है, वन पॉइंट टू से वन पॉइंट फोर पे आ रहा है, अभी भी जीरो पॉइंट टू, एच जीरो पॉइंट टू ही, तो जीरो पॉइंट टू एच स्टेप साइज होता है ना, एक्स का स्टेप साइज याद रखिए, एक्स का स्टेप साइज है वाई का नहीं, एक्स वन का क्यूब, एक्स वन कितना है वन पॉइंट टू ये रहा क्यूब, और वाई वन का स्क्वायर, यानी कि वाई वन है पॉइंट टू का स्क्वायर, वाई वन ये रहा पॉइंट टू, सही है, मैं इसको कैलकुलेटर पर भी सिखा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपका जीरो पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट टू का क्यूब प्लस जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है जीरो पॉइंट फाइव फाइव थ्री सिक्स जीरो, ये आपका वाई टू आ गया, यानी कि किस पे आया है, एक्स टू पे आया, एक्स टू क्या है आपके पास वन पॉइंट फोर, सही। अब मैं आपको इसको कैलकुलेटर में भी ट्रिक सिखा दूँ कैसे करना है सवाल, और इसका एक बैकवर्ड का सवाल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वाले आपको, जिसमें हम किसी प्रीवियस वैल्यू यूज करें, कैलकुलेटर पे ये वाली इक्वेशन फीड करें, यहाँ पे ये वाला स्टेप दिख रहा है, कैलकुलेटर पे ये वाली इक्वेशन फीड करें, दो इनपुट है ना, एक्स आई को ए बोल दें, वाई आई को बी बोल, सही, तो ये करके देखते हैं, मैं आपको कैमरा ऑन कर रहा हूँ, सही है, थोड़ा सा सही है, कैमरा आ गया। अब जो आपके पास मुझे तो याद है, खैर आप देखिए इक्वेशन पहले था वाई आई, तो वाई आई को हमने बी दिया हुआ है, तो अल्फा आ गया बी, सही, और वाई आई, अच्छा ए की इक्वेशन है तो वाई आई प्लस वन करके ही डाली गया, सही, ए की इक्वेशन है तो चले मैं आपको ऐसा करूँ दोबारा उस पर ले जाता हूँ, देखिए ए की इक्वेशन है ना सिर्फ, तो इतना ऐसा डलेगा कैलकुलेटर को, इतना ऐसा, ठीक है, ये ए की इक्वेशन है, सिर्फ एक से ज्यादा होती है तो फिर ये पूरा ऐसा डलता है और इक्वल डालना पड़ता है, ठीक, तो पहले देखें बी है, यहाँ पे बी है और फिर जीरो पॉइंट टू है, ए क्यूब और प्लस बी स्क्वायर, ये हमें डालना, तो ये कैलकुलेटर पर डायरेक्ट हो सकता है, मैं ऐसा समझ कर नहीं है, तो ये आ गया बी आ गया और प्लस पॉइंट टू, तो देखिए प्लस पॉइंट टू आ गया, और फिर ए क्यूब है, ए का क्यूब और फिर प्लस बी का स्क्वायर, सही, तो ये आपने कैलकुलेटर फीड कर दिया। अब कैल का बटन दबाएंगे तो आपको ए ध्यान रखिए एक्स आई, ठीक है, यानी कि पहली दफा करेंगे तो एक्स नॉट देना पड़ेगा, जैसे कैल दबाएंगे तो वो बी पूछ रहा है, बी का था वाई नॉट, वाई नॉट यानी कि पहली दफा देना, वाई नॉट जो है वो जीरो है, जीरो दबा दिया, आप आगे वो एक्स नॉट यानी ए पूछ रहा है, ए एक्स नॉट है, ए तो था एक्स नॉट वो वन था, वन दे दिया, इक्वल दबा दिया आपने, इक्वल दबाएंगे तो आपका पहला आंसर आ गया ये वाई वन है, क्योंकि वो ये इक्वेशन है ये आई प्लस वन की है, तो सर वाई आई प्लस वन है, यानी कि आई जीरो हुआ है तो वो वाई वन आया, तो देखिए पॉइंट टू आ रहा है, इसको आप चेक करने वाला बटन होता है, तो पॉइंट टू आ रहा है। अब दोबारा आपने रन करना है, जैसे आप इक्वल दबाएंगे तो वो आपसे फिर पूछेगा आप क्या लेना है बी, अब जब बी है, अब ये क्या है
बी का मतलब आप दूसरी एडिशन कर रहे हैं तो अब वाई वन देना है। वाई वन कितना आया, अभी पीछे पॉइंट टू आया है, चाहे तो आंसर भी दबा दे तो वही रीड करेगा, तो इसके आंसर वही से है। सही, एक्स वन ए जो है अब एक्स वन हो गया, एक्स वन कितना था 1.2, सही 1.2 दे दिए, इक्वल दबाए, अब आपके पास आंसर आ गया। देखिए यार, अब 346/25, इसमें देखिए 0.55360, ये वाई टू आ गया। इस तरह वाई थ्री देना है मिसाल के तौर पे, 1.6 पे भी निकालना होता, तो वाई थ्री देना हो तो फिर मैं इक्वल दबाता, तो आपसे फिर पूछेगा बी क्या लेना है, बी जो वाई की वैल्यू, अब वाई की वैल्यू अभी जो लास्ट आई वही है ना, वाई टू लेना है, तो वो आंसर लेना है। सही, और ए जो है अब एक्स टू हो जाएगा, तो यानी कि 1.4। सही, अब जैसे ही आप इक्वल दबाएंगे तो अब ये वाई थ्री का आंसर आ गया, यानी कि 1.1636। ये कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं, बस ए और बी का ख्याल रखेंगे, जब पहली दफा में ए बी दे रहा है तो एक्स नॉट वाई नॉट देने, जब दूसरी दफा में दे रहा है तो एक्स वन वाई वन देने, तीसरी दफा में दे रहा है तो एक्स टू वाई टू देने। तो इस तरह के साथ कैलकुलेटर पे सवाल कर सकते हैं बआसानी, और इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं इसी सवाल में मैं एडिट कर रहा हूँ, ये सवाल मैं एडिट कर रहा हूँ, सही, इसी सवाल में आपसे बोलूँ कि मुझे वाई ऑफ 0.8 भी निकालना, आप देखें क्या मसला हुआ। आपका जो इनिशियल पॉइंट था वो था एक्स नॉट वन और वाई नॉट जीरो, सही। अब आप इसमें देखें कि एक्स नॉट वन है, अब मुझे इधर इसका मतलब क्या है कि एक्स 0.8 पे निकालना है मुझे वाई की वैल्यू। अब ये 0.8 जो वन से पीछे है, यानी कि ये एक्स माइनस वन हो जाएगा, वाई माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बैकवर्ड सीरीज लगानी पड़ेगी। बैकवर्ड सीरीज क्या होती है, ऑयलर की आई प्लस वन वाई आई, और बस यहाँ माइनस प्लस एच था, यहाँ माइनस एच है, एफ ऑफ एक्स आई वाई, सही है। तो वाई आई ऐसे ही, और माइनस एच, एच कितना है आप देखिए, वन से लेके मैं 0.8 पे गया, यानी कि 0.2 का डिफरेंस है, तो एच जो है वो 0.2 है, माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, और एच हो गया एफ ऑफ एक्स आई, एक्स आई जो था वो एफ ऑफ एक्स वाई था, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह बस एक्स आई हो जाएगा, यानी कि एक्स आई क्यूब और वाई आई का स्क्वायर। चाहे तो कैलकुलेटर फीड करना ना, एक ही पॉइंट है तो आप डायरेक्ट ही निकाल लें, कैलकुलेटर में फीड ना करें। कैलकुलेटर में आपने जो फीड किया था यहाँ पे वो ये किया था, सही, इसमें यहाँ पे बस प्लस किया, फिर माइनस करके फीड करना पड़ेगा, प्लस को 0.2 था, माइनस का 0.2, ए और बी वही रहेंगे, एक्स आई वाई, एक ही पॉइंट में निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कैलकुलेटर में नहीं सही। तो मैं इसको डायरेक्ट कह रहा हूँ, थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ इसको, तो वाई आई, अब देखिए आई जो है वो क्या रखना है आपने, वाई माइनस वन निकालना है ना, तो आई जो है वो, अच्छा ये मैंने गलती कर दी, देखिए बैकवर्ड सीरीज में आई माइनस वन होगा, ठीक, आई अब जीरो रखेंगे तो ये जाएगा वाई आई माइनस वन, का मतलब आई जीरो और वाई माइनस वन हो गया, इधर वाई नॉट, उधर एच जो है वो 0.2 है, सही, और आई जो है वो जीरो, तो एक्स नॉट का क्यूब प्लस आई जीरो है तो वाई नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट जो है वो वन है, वाई नॉट जीरो है, बस इसका आंसर निकालने, मैं आंसर निकाल लेता हूँ, वाई नॉट जीरो है और एक्स नॉट जो है वो वन है, सही, तो माइनस का 0.2 आंसर आ रहा है। ये एक्स्ट्रा आपके समझाने के अस्तर, क्योंकि बैकवर्ड सीरीज अगर आती है तो आप वो कैसे यूज करें, तो ये माइनस का 0.2 आ रहा है, पॉजिटिव 0.2 नहीं, माइनस का 0.2, सही, मैं इसको जरा साफ करके देख देता हूँ, माइनस का 0.2 आ रहा है, सही। तो इस तरह से आप बैकवर्ड भी निकाल सकते हैं, कोशिश करेंगे, अगर मैं टाइम मिलता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक और सवाल डिस्कस करा लूंगा, फिर अगले मेथड पे चलेंगे। थैंक यू।